स्टूडेंट्स नमस्कार, आज स्टार्ट करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का 2017 में जो पेपर आया था। अब पेपर को करने के लिए अब थोड़ा टेक्निकल ब्रेन आपको, क्योंकि 2015 और 2016 का पहले मैथ का पूरा डाला जा चुका है और प्रॉपर वे में करके डाला गया है, प्रॉपर वे में भी करा गया है, पूरे पूरे हल भी करे गए हैं और साथ में उसकी ट्रिक्स भी बताई गई हैं। तो उन पेपरों को आप बहुत अच्छी तरह कर लें। अब 17 वाले से अब थोड़ा और सोचना शुरू करें कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो देखिएगा 2017 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम का मतलब कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 12 से भाग, 18 से भाग, 36 से भाग और 45 से भाग देने दिए जाने विभाजित किए जाने पर 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। कितना शेष बचे? 8, 14, 32 और 41। अब पहला 176, बी 180, सी 178 और डी 12186। इनमें से कौन सा होगा? देखिएगा, यदि आप विचार करें, थोड़ा भी टेक्निक ना सीखना चाहें, आपको दिखाई दे रहा है कि 12 का भाग करने पर 8 शेष बचना चाहिए। आप जानते हैं कि इसमें मैं कैसे ढूंढ रहा हूं, जब देखना आप ध्यान से, जब 12 का 180 भाग 12 कम 12 और 12 पंजे 60 पूरा पूरा भाग चला गया, जबकि 8 शेष बचना चाहिए था, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। टेक्निकल सोचना, टेक्निकल। अब जरा सोचें, जब 180 में पूरा पूरा भाग चला गया, यहां भी 180 से 6 ज्यादा है, तो इसका 6 बचेगा, यहां पे है कितना 8, तो ये भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब 180 में पूरा भाग जा रहा है 12 का, तो इसमें जरा 12 कम 12 बचे कितने, 5, 58, 12 चौक 48, 10 बच रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब यहां ये 12 कम 12, तीन आंसर हट गए तो चौथा यही होगा, लेकिन फिर भी विचार करते हैं, 12 कम 12 बचे 5, कितना चाहिए 56, 12 चौक 48। जब तीन हमने ढूंढ लिए नहीं है तो आंसर तो यही है हमारा, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ये शॉर्टकट टेक्निक हो गई 10 सेकंड में सोचने की। लेकिन इस सोचने में आपको ये ध्यान देना था, मैंने क्या ध्यान दिया कि 12 का भाग किस में चला जाएगा, 12 का भाग दिखाई दिया देखते ही कि इसमें जा सकता है, क्योंकि 12 कम 12 6, 12 पंजे 60। अब 180 को मैंने बेस बना लिया, कैसे बेस बना लिया कि 180 में जब पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो यहां पे 186 है, तो इसमें जब मैं भाग करूंगा, जब इसमें मैं भाग करूंगा तो इसमें 6 बचेगा और बचना कितना चाहिए 8, तो यह भी गलत है। यहां पर देखा, जब 12 का भाग 180 में कर रहा था तो पूरा जा रहा था और ये 178 से कम है, 178 से कम है, तो हम देख जा गौर करें, उससे जब कम है, जब 180 पूरा भाग जा रहा है तो इसमें से 12 कम कर दो, तो इसका मतलब किस में जाएगा, जब 180 में 12 कम कर दिए 168 में पूरा भाग जा रहा है और ये कितने 178, 10 बचे, 10 बच रहे हैं और ये 178, तो इसका मतलब 10 से बच रहा है और बचना कितना चाहिए 8, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ये आंसर। लेकिन आप कहेंगे कि इसी क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, ये तो आपने टिक मतलब हिट एंड ट्रायल रूल ये डायरेक्ट मार दिया, आपने करने का क्या तरीका होगा, मैंने बड़ा शानदार तरीका होगा। आप एक विशेषता देखिए इन क्वेश्चन में, इसमें इसमें अंतर देख लो 4 का है, इसमें देख लो 4 का है, इसमें कितने का है 4 का है, इसमें कितने का है 4 का है, ऐसे क्वेश्चनों की विशेषता आती है कि मतलब जो शेष बच रहा है और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें हमेशा अंतर देखो 4 का ही है, तो आप इसका लासा निकालो, क्या निकालो लासा। अब लासा निकालने के लिए अब आप मेहनत करोगे 18, 36 और 45। अब 12 कम 12 से नहीं 6 से, 6 कम 6, 6 का 6 में का इसमें नहीं आ रहा, नहीं 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 आराम से ऐसे से दो जिससे पूरा भाग जाए, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3 पांच 15। अब 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 15 ज्यों का त्यों। फिर 2 का दोबारा दिया, 1,
तीन तीन पंद्रह पांच पंद्रह, फिर तीन का करा एक 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 पांच, फिर पांच का करा पांच एक 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 एक, लासा कितना आ गया तीन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, तीन तीन नौ दुनी अठारह दहाई पांच दुनी दस होता है दहाई, एक सौ अस्सी आ गया, एक सौ अस्सी इसका लास आ रहा है। अब कितने का अंतर था चार का, तो इसमें से चार कम कर दू, जितने का अंतर हो उतना कम कर देना चाहिए, तो कितना आंसर आ रहा है एक सौ छिहत्तर। लेकिन अब ऐसे करोगे, और एक हमने डायट टेक्निक बताई, डायट की कोशिश करो ना ये सोच सको तो, और नहीं तो ये करने का तो तरीका आपके पास है ही। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है दूसरा क्वेश्चन है पी एक कार्य नौ दिन में करता है, पी कितने दिन में करता है नौ दिन में, और क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, मतलब 50% अधिक कार्य तेज कर सकता है। तो देखिएगा कहता है दूसरा क्वेश्चन, पी एक कार्य नौ दिन में करता है, पी नौ दिन में कर रहा है नौ दिन में, अब कहता है क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, मतलब कितने गुना सक्षम है डेढ़ गुना, 50% अधिक है, 50% अधिक का मतलब क्या होता है डेढ़ गुना, मतलब यदि इसका एक था तो ये इसकी यदि क्षमता एक की थी तो क्यू की जो क्षमता है 50% अधिक है, तो कितनी हो गई डेढ़ सौ मटे सौ 1.5 हो गई, डेढ़ गुनी है, डेढ़ गुनी का मतलब होता है तीन बटे दो गुना, कितने गुना है इसकी ताकत तीन बटे दो गुना। तो कहता है ये कितने दिन में कर लेगा, देखिए काम का मतलब आप समझिए, जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना कम समय लगेगा। आप यदि विचार करें, मैं पढ़ाऊं बच्चों को और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक घंटे में 10 क्वेश्चन बताता हूं, दूसरा टीचर उसी क्वेश्चनों को एक घंटे में 5 क्वेश्चन बताता है, तो मुझे तो एक घंटे लगेगा मेहनत करने में, उसे दो घंटा लगेगा, बात यह तय है कि 10 क्वेश्चन बताने पर इतने रुपए मिलेंगे, तो मेरे को तो एक घंटे मिल गए, उसे दो घंटे मिलेंगे, मेरी क्षमता उससे दुगनी है, तो समय कितना लग रहा है मेरे को आधा, उसका आधा समय लग रहा है, तो जितनी क्षमता होगी उल्टा कर दो तो उतना समय लगेगा। अब इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी तीन बटे दो गुनी, तो इसको समय कितना लगेगा, इस समय का दो बटे तीन लगेगा, तीन तिया नौ और तीन दुनी छह दिन, बिल्कुल बात क्लियर समझ लो, जितनी क्षमता होगी समय उतना कम लगेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा उसको समय कम लगेगा। एक मिस्त्री है वो एक दिन में 500 ईंट लगाता है, 1000 ईंट लगानी है, 1000 ईंट का ठेका है, तो उसको कितने दिन लेंगे दो दिन, दूसरा मिस्त्री आया वो एक दिन में 1000 लगाता है, तो वो एक दिन में जितना कमाएगा वो कितने दिन में कमा रहा है दो दिन में, उसकी क्षमता क्या है ज्यादा, उसकी क्षमता कितनी है दुगनी, तो समय कितना लग रहा है आधा, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यहां पर उसकी क्षमता कितनी है इससे 50% अधिक है, तो इसका मतलब कितनी है इसकी डेढ़ सौ बटे सौ डेढ़ गुनी तीन बटे दो, तो समय कितना लगेगा इसको, इस समय का कितना लगेगा दो बटे तीन, तो दो बटे तीन का इसमें गुणा कर दिया कितना आ गया छह दिन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, तीसरा कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, कहता है को तैयार करने में कितने क्षेत्रफल के लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, पाई का मान दे रखा है 22/7। भाई साहब जब शंकुआकार बनाएंगे तो उसका वक्र प्रस्थ लगेगा, जब लोहे का शंकुआकार हम बनाएंगे उसने ये तो नहीं कहा नीचे फर्श भी बंद है, कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल का लोहे की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा सबसे पहले आप L निकालेंगे, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यदि आपने बहुत अच्छी तरह मेरी पिछली वीडियो देखी हो, आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट थी,
पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने दो दो जगह पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियो में, तो ट्रिपलेट मैंने क्या पढ़ाया था, 7 24 हो तो 25 आता है इसके साथ, 7 24 और 25 होता है, लेकिन आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, 7 का वर्ग + 24 का वर्ग और ये 49 और ये होता है 576 और ये 625 एल स्क्वायर, एल बराबर 25 सेंटीमीटर। अब कितनी चादर लगेगी वक्र पृष्ठ में, लगेगी वक्र पृष्ठ पाई आर एल 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एल की वैल्यू 25, 25 × 50 5 × 50 = 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब उसको चादर जो है फर्श में भी लगानी है, देखो एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा, 708, 704, 804 और 408, इसका मतलब उसके फर्श में भी लग रहा है, शंक्वाकार बन रहा है ऐसे भी और नीचे फर्श में भी। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल जैसे आप क्या बोलोगे पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 22 × 7 = 154। अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा, वक्र पृष्ठ प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कितना है, ये रहा 550 + 154, 4 × 10 = 0, 1 हासिल, 5 × 6 = 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंक्वाकार पूरा ऊपर से भी और नीचे से भी। अगला क्वेश्चन आता है, इसका आंसर हो गया सी, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार टीन सीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, कहता है इसे लंबाई में रोल्ड बेलित किया जाता है, सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, बेलन बनाया जा सके तो बेलन का आयतन होगा। देखिएगा ये 12 सेंटीमीटर है, ये रहा कागज और ये 5 है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कागज है, ये 12 और ये 5, अब लंबाई में ऐसे बेलित किया गया, इसको मोड़ा गया, ये मोड़ दिया गया, अब देखिएगा लंबाई के प्रति मोड़ा जा रहा है तो लंबाई किसका काम करेगी, इसकी परिधि का, और चौड़ाई होगी ऊंचाई, तो इसका मतलब 2πr = 12 ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितना काम करेगी 5। अब क्या कहता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो, आयतन निकालना है, तो गौर करिएगा आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 2 से 6 बार कट गया, पाई आर की वैल्यू आएगी 6/π × 6/π इंटू एच का मान 5, पाई से पाई कट गया। अब पाई के पदों में दे रखा है, बिना पाई के दे रखा है, ये देखिए पाई के पदों में ही आंसर है, 6×5 = 180/π सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन है क्यूब, आयतन क्यूब, ठीक है ना, इसका आंसर हो गया पहला ए। अगला क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन, ये चौथा था, पांचवा कहता है एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट का विज्ञापन देता है, मतलब 10% की वो छूट देगा, छूट देगा तो जो लिखित मूल्य है उसे सस्ता मिलेगा, पक्की बात है। अब क्या कहता है, 650 रुपए का एक कुकर है, 650 रुपए का, 500 रुपए का एक हीटर है, ठीक है 500, और 65 रुपए का एक बैग है, प्लस 65 बस यही है, ठीक है, तो कहता है एक बैग खरीदने में ग्राहक को कुल कितने रुपए की छूट मिलेगी, सिर्फ छूट पूछी है, ये नहीं पूछा छूट के बाद कितने रुपए की मिलेगी, छूट कितने कितने पैसे की होगी, तो इन सबों को जोड़िए, देखिएगा 5, 5, 6 और 5 = 11, 1 हासिल, 5 × 6 = 12, इतने रुपए उस पर लिखे हुए थे इन सब सामानों पर, कितने परसेंट की छूट मिल रही है, 10% की छूट,
1215 इंटू 10/100 10% इससे ये कट गया, 10 का भाग करोगे 121.50 रुपए इतने की मिलेगी। देख लो आंसर 121.50 रुपए इसका आंसर डी है। अब यही बात पूछता छूट के बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, यदि पूछता तो ऐसे तो ये हो गया डी आंसर आ गया, छूट के बाद कितने की मिलेगी, तो 1215 की थी हम डायरेक्ट निकालते ये नहीं करते फिर हम, जब 10% की छूट मिल रही है तो कितने परसेंट में मिल रही है वो चीज, 90% पर इंटू 90/100 ऐसे हल करते फिर हम। छूट के बाद, छूट के बाद, और ये क्या है छूट कितने की मिल रही है, यदि पूछेगा पेपर में आने वाले पेपर में यदि पूछते तो, नहीं तो आप मालूम क्या करोगे, पहले ये निकाल लिया इसको इसमें से घटाओगे कुल में से और जो आएगा उसको दोगे। तो जब हमें डायरेक्ट करना होगा तो हम इसको क्यों करेंगे, हम तो सीधे यहां करने का ये करेंगे। ओके अगला पांचवा हो गया, छठे पे आइए। छठा क्वेश्चन कहता है एक आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योग 10 वर्ष बाद दुगना हो जाएगा, छोटे भाई और बड़े भाई की आयु में अनुपात। देखिए छोटे भाई मान, ये क्वेश्चन नंबर 6, छोटे भाई की आपने आयु मानी एक्स वर्ष, तो बड़े भाई की क्या होगी, कितने वर्ष बड़ा है 8 वर्ष का अंतर, तो ये एक्स प्लस 8 हो गई वर्ष। अब क्या कह रहा है, कहता है दो सगे भाइयों की आयु का योगफल, आयु का योगफल, तो आयु का योगफल कितना आ गया, आयु का योगफल आपको ऐसे लिख के नहीं दिखाना है, वो तो मैं समझाने के लिख रहा हूं, एक्स प्लस 8, 2x+8। अब क्या कहता है 10 वर्ष बाद दो गुना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद आप सोचिएगा 10 वर्ष बाद ये उम्र कितनी होगी, एक्स प्लस 10। अरे आज किसी की वैल्यू उम्र 15 साल है तो 10 वर्ष बाद 25 हो गया, आप यही तो बोलोगे 15 में 10 जोड़ दोगे। इसी प्रकार बड़े भाई की कितनी होगी 10 वर्ष बाद, एक्स प्लस 8+10 x+18। अब कह रहा है इन दोनों की आयु का योग जो है इसका दुगना हो जाएगा, तो यदि इसको दुगना कर दूं तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। आयु का योग, योगफल कितना आ गया, x+10+x+18 और 2x+28। प्रश्नानुसार क्या कहता है, ये जो 2x+28 है ये इसका दुगुना है, तो यदि इसमें 2 का गुणा कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में, बराबर। तो देखिएगा कितना आ गया, 2x+28 4x+16, 16 को धर लाएंगे तो 12 बचेगा, इसको लाएं 2x और x=6। अब x=6 आ गया तो इसका मतलब छोटे भाई की कितनी आ गई, 6, तो दोनों भाइयों की आयु में अनुपात क्या है, x/x+8 यही तो है, 6/6+8 6/कितना आ गया, 8×6=14 और ये आ गया 3:7। ये पूरा करने का तरीका वो 3:7 दोनों की आयु में कितना अनुपात है। देखिएगा ये तो पूरा लिख के हमने देखा, इस प्रकार से इसी बात को आप डायरेक्ट करना चाहो, कितना लंबा हमें लिखने का मन नहीं कर रहा, हम डायरेक्ट सोचना चाह रहे हैं, तो देखिएगा फिर हम करेंगे ऑप्शन से, किससे करेंगे ऑप्शन से। अब ऑप्शन से देखिए क्या मतलब है, बात यह है आपको पहला ऑप्शन दे रखा है छठे का, ए बराबर 7.11, बी 3:7, सी 8:9 और डी 10:13। अब सारे ऑप्शनों में देखिए जब मैं अनुपात का चिन्ह हटाऊंगा तो 7 के 11 के यही तो हुआ। अब कह रहा था कि
इन दोनों का योग 18 के 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये उम्र हो जाएगी 7 के प्लस 10 और इसकी हो जाएगी 11 के प्लस 10। अब योग कितना हुआ 18 के प्लस 20। जब दो जुड़ रहे हैं तो 10 वर्ष बाद 10 10 20 जोड़ लेंगे सीधे इसमें, 30 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद बोलेगा तो 20 इसमें 20 इसमें, तो इसमें 40 जोड़ लेंगे। अब क्या कह रहा है, ये उम्र, आप पढ़िए क्वेश्चन को, ये उम्र इसकी दुगुनी है तो यदि इसको दुगुना कर दें 36 के बराबर इसके हो जाएगा, और इसको इधर लाया 18 के बराबर 20 और के बराबर 20/18। अब भैया मैं इसको छोड़ दूंगा, आपने क्यों, यह आंसर मैं लूंगा नहीं, आपने क्यों, यदि मैं 10/9 यहां लगाऊं यहां पर क्या यह पूरा पूरा कट रहा है, जबकि उम्र में अंतर कितने का है 8 साल का, पूरे सालों का है, तो इसमें यदि मैंने लगा दिया, मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं, देखो आपको समझाने के लिए मुझे इतना लगता है 70/9 आएगा और यहां पर लगाऊं तो 110/9 आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा। अब इन दोनों में क्या अंतर 8 का है, यदि मैं घटाऊंगा तो 40/9 आएगा, क्या अंतर 8 वर्ष आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं होगा, मैंने यहीं छोड़ दिया। यहां पर देखिएगा आप, यहां पर इसका उम्र 3 के और इसकी उम्र 7 के, तो अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना आ गया, यहां पर पहले देखो आप 10 के और 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद मैंने आपसे कहा था 10 वर्ष बाद, इसमें भी 10 वर्ष बढ़ेगा, इसमें भी 10 वर्ष, तो कितना बढ़ेगा 20 वर्ष, तो 10 के प्लस 20। और ये कह रहा है ये उम्र जो है इसकी दुगुनी है, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन में, तो इसको दुगुना कर दूं तो ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे बराबर, तो 2 × 10 = 10 + 20, 20 के में से 10 के गया, 10 के बराबर 20, के बराबर 2, बिल्कुल बात क्लियर है। अब के का मान 2 आ गया, के का मान आपने यहां 2 लगाया तो 3 दुनी कितने हो गए 6 और 7 दुनी 14, देख लो 8 वर्ष का अंतर है कि नहीं है, पकड़ में आ गई बात। आगे सुने, जब के का मान मैं यहां लगाऊंगा तो ये 20 हो गया, 10 दुनी 20, और जब मैं यहां लगाऊंगा 10 दुनी 20 और 20 40, देख लो 10 वर्ष बाद उम्र का योग दुगुना हो रहा है, और यहां पे योग उम्र में अंतर कितने का है 8 का, तो इसका मतलब हम ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो समांतर माध्य का है, समांतर माध्य को पहले आप समझिए, समांतर माध्य होता क्या है, समांतर माध्य होता है कुल योग बटे कुल संख्या। यदि आपके पास 2 3 4 5 दे रखा है, 5 6 भी दे दिया, एक से लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पास 1 2 3 4 5 और आपसे कहा इसका माध्य बताओ, माध्य बताओ, तो देखिएगा एक्स बार बराबर माध्य होता है, सभी को जोड़िए आप, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस बार जो छोटे क्वेश्चन बहुत आएंगे, बटे 5 5 4 9 1 10 15 / 5 और ये 3 आ गया, ये इसका माध्य आ गया, तो क्या होता है माध्य, कुल योग बटे कुल संख्या। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट कहां आता है, अब वो कहता है इसमें 5 को भगाकर 10 लिख दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, क्वेश्चन उसने क्या बोला, क्वेश्चन वो बोलना चाहता है 1 2 3 4 5 का माध्य 3 है, यदि 5 को हटाकर 10 लिख दिया जाए तो नया माध्य बताओ। तो अब आप गौर करिए, आप करोगे कैसे, आप तो ये कहोगे 1 2 3 4 5 को भगाया 10 लिख दिया, अब माध्य निकालना है, सभी को जोड़िए 10 और 4 14 और 3 17 2 19 और 1 20 / 5 4 हो गया, आपने तो इतना लंबा करा, हमसे आप टेक्निक पूछोगे तो हम आपसे क्या कहेंगे कि पहले माध्य कितना था 3, माध्य 3 था, अब 5 को हटाया और 10 लिख दिया
आखिर योग में कितने का अंतर आएगा? पहले पांच तो था, दस लिख दिया, तो कितना फालतू लिखा है हमने? पांच। जो पांच लिखा है उसमें नीचे पांच का ही तो भाग करोगे, जितना योग बढ़ रहा है उसमें कुल संख्या का भाग कर दो, पांच का भाग कर दिया एक, तो एक किस में बढ़ेगा? माध्य में। जितना बढ़ रहा हो उतने का माध्य निकाल लो। वो तो हमसे ये बोल दे, हमसे बड़े सिंपल भाषा में कह दे कि तीन को भगाया और अट्ठारह लिख दिया तो नया माध्य बताओ। तीन को भगाया अट्ठारह लिख दिया, हमने तो ये देखा कि हमारा योग कितना बढ़ेगा, हमने इसमें से इसको हटा दिया, जिसको हटाया वो निकाल दिया, और जिसको लिखना था लिख दिया। अट्ठारह में से तीन गए, कितने फालतू बढ़ाए गए? पंद्रह। और संख्या कितनी है? पांच, क्योंकि एक संख्या हट रही है अगली आ जा रही है, तो संख्या तो पांच ही है। योग में बढ़ा पंद्रह और संख्या पांच, तो इसका मतलब कितना एवरेज हुआ, कितना माध्य हुआ? तीन। तीन बढ़ेगा माध्य में, तो तीन और तीन कितने जाएंगे? छह। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि डायरेक्ट समांतर माध्य के कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में 30 शिक्षक में से 30 शिक्षक हैं, छठे सातवां क्वेश्चन, 30 शिक्षक हैं, 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, मतलब चला गया नौकरी से 60 वर्ष का, उसके स्थान पर 30 वर्ष के आयु की नियुक्ति हुई, मतलब योग में कितना कम हुआ? 60। अरे योग फल में कितना कम होगा? 60। 60 वर्ष का आदमी जा रहा है और 30 वर्ष का आ रहा है, तो योग कम होगा कि ज्यादा? कम, क्योंकि 60 का गया और 30 का आया, कितना कम हुआ? 30। योग में 30 की कमी हुई, और कुल है कितने शिक्षक? 30। तो योग में संख्या का भाग करोगे 30 में 30 का एक, तो इसका मतलब माध्य में कितने की कमी होगी? एक की। तो क्या रहा है? एक वर्ष घट जाएगा। माध्य कितने वर्ष घट जाएगा? एक वर्ष घट जाएगा। आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। 30 शिक्षक हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षक, तीसरा शिक्षक, ऐसे 30 शिक्षक हैं। इनमें से एक किसी की आयु, इसकी आयु मान ली 60 वर्ष है, इसको तो हटा दिया, भगा दिया, और जोड़ा किसको? इसकी जगह 30 वर्ष लिख दिया, तो इस पूरे योगफल में कमी होगी कि वृद्धि? कमी होगी। 60 का भगाया और 30 को जोड़ा, तो इसका मतलब कितने की कमी हुई? 30 की। 30 की कमी हो गई, माइनस लगा दिया, तो जो माध्य कम होगा, सब पे कमी और माध्य होता क्या है? सब पे बढ़ता है या सब पे घटता है? मैं एक और एग्जांपल दूंगा अभी आपको। 30 का भाग कर दिया, ये है नंबर, कितने की कमी हो रही है? एक की। किस में? माध्य में। पहले माध्य कितना था? तो बस इतना लिखा है, पहले माध्य नहीं देखा, तो एक वर्ष घट जाएगा। आप सोचें, जरा विचार करें, यदि दो ओवर में 15 रन बन गए हो, जब विचार करिएगा, दो ओवर में 15 रन बने और तीसरा ओवर मैडन चला गया, तीसरे ओवर में एक भी नहीं बने, जब दो ओवर में 15 बने थे तो एवरेज था 7.5 का, 15 में 2 का आपने भाग कर दिया, 7.5 का था, लेकिन जैसे ही तीसरा मैडन गया तो योग तो ज्यों का त्यों रहा, 15 का 15 ही रहा, लेकिन अब कितने का भाग करेंगे हम? 3 का। तो अब एवरेज कितने का आया? एवरेज कितने का आया? 5 का। 5 का। तो इसका मतलब जब कमी होती है तो सब में एवरेज होता है, सब में कमी, तो जब ये कमी होगी तो किस में होगी? सब में। यदि ये कह दिया था फिर क्वेश्चन को कि 60 वर्ष के आदमी को भगा दिया, 30 वर्ष का जोड़ा ही नहीं हमने, जब 60 का भगा दिया तो 60 का योग कम होगा, और कुल है कितने? 30। जब 60 को हटा रहे हैं तो अब कितने जाएंगे? एक कम हो गया, अब इसके आया तो है नहीं, हम कितने का भाग करेंगे?
अब जो भाई साहब अब क्वेश्चन अलग प्रकार का बनेगा, क्योंकि अब 30 के 30 नहीं रह गए, अब कितने रह गए 29। तो इस टॉपिक को अब मैं आपको, ये तो पेपर चल रहा है, मैं आगे इस टॉपिक को बहुत डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है समांतर माध्य, सांख्यिकी जिसे कहते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आठवां। आठवां क्वेश्चन है, गीता 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक की गोली चलाई जाती है। गीता से इतने किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक की गोली चलाती है, वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है, तो आवाज की यात्रा की गति बताओ। भैया चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी 1.34 है, इसे 1000 का गुणा कर लें तो ये किसमें बदल जाएगा? किलोमीटर, मीटर में। चाल बराबर दूरी बटे समय, 4 सेकंड, क्योंकि आंसर जो दे रखे मीटर पर सेकंड में दे रखे। अब देखिएगा, ये पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ गए, 1 2 1 2, 2 से 2 बार, 2 6 12, 2 7 14, 2 से 5 बार, 7 5 35 का 5 3 हासिल, और 5 6 30 और 3 33 मीटर पर सेकंड। अर्थात चाल कितनी है, यात्रा करने की गति क्या है? 335 मीटर पर सेकंड। आंसर नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है नवा कहता है, एक निश्चित अवधि में दर 10% की दर पर 1800 रुपए पर, रुपए 1800 मूलधन, 1800 रुपए पर ब्याज जो मिल रही है, इंटरेस्ट 378 रुपए मिल रही है, तो कहता है मैं समय ज्ञात कीजिए, कितने समय में मिल जाएगी, कितने समय में मिल जाएगी। जरा गौर करिएगा, आप बिल्कुल नहीं करे, आपने तो ऐसे कर दिया, आप तो ये जानते हैं ए बराबर P1+R/100 ये तो मिश्रधन होता है, जबकि ये क्या दे रखी है? ब्याज। या तो इन दोनों को जोड़ लें तो मिश्रधन आ जाएगा, यदि आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 2178। और पी का मान खाली कितना है? 1800, और 1+ दर है 10/100 की घात है। अब इसका भाग करेंगे 2178/1800, और ये 0 से 0 11/10^n, कुछ काट लो यदि कट जाए तो 3 6 18 2 0, 3 7 21, 3 9 6 3 6 18, और 3 से फिर कट गया, 3 9 6 2 0, 3 9 6 3 4 12, 3 9 6, और फिर मुझे लग रहा है 2 से कट जाएगा, 2 से 100, और 2 से 1 से 21, ये क्या आ गया है? 11/10^2 11/10^n, n बराबर 2 वर्ष आ गया। लेकिन ये बात ध्यान रखनी, यहां पे 378 ना लग जाए गलती से, क्योंकि ये मिश्रधन होता है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये मिश्रधन। आपने कोई और शानदार तरीका है जो डायरेक्ट जिससे कराया जा सके? मेरा बड़ा सुपर सुपर तरीका है। यदि आप ध्यान दें, हमारे पास 1800 रुपए हैं, 1800 रुपए हैं, 10% ब्याज है, हमने पहले महीने एक साल की ब्याज लगाई, 1800 का 10% कितना होगा? 180। इतना तो आप जानते हो भाई, 10% का मतलब 1/10, इसमें 1/10 का गुणा कर दूं। क्या 180 पे अगले साल की ब्याज लगाऊं? 180 तो साधारण ब्याज आ गई, तो एक साल में, एक साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है, जबकि वो ब्याज कितनी बोला है? 378, तो एक वर्ष की तो हो नहीं सकती है, फिर एक वर्ष और लिखा हमने 180, ये कौन सी ब्याज आ गई? साधारण है, अभी हमें कैसी है? चक्रवृद्धि। तो ये तो सही है, अब इस पर 10% अगले साल ब्याज पे ब्याज लेगी भाई, मूलधन पर तो ये लगता है ये साधारण ब्याज आ रही है,
अब अगले वर्ष इस पर ब्याज लेगी, इस पर 10% कितनी होगी, 18 रुपए। अब देखना ये तो 360 तो ये हो गए और 18 रुपए ये हो गए, कुल कितने रुपए हो गए, 378 रुपए। तो कितने वर्ष हुई ये, 2 वर्ष। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को करने के, सबसे आसान तरीके। अभी मुझे यहां दिखाई दे रहा होता कि 360 की जगह यहां पर दिखाई दे रहा होता मुझे 4.5 लगभग 600 के आसपास दिखाई दे रहा होता, तो मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं अब मैं कैसे 180 180 180 तीन साल में जाके, तीन साल में यदि जोड़ूंगा तो 180 180 और 180। अगले साल जो ब्याज मिलेगी, अब ये तो साधारण ब्याज हो गई लेकिन है कैसी, चक्रवृद्धि, तो इस पे एक साल की मिलेगी तो कितनी मिलेगी, 18। और जब यहां मिलेगी तो कितने की मिलेगी, इन दोनों पे मिलेगी तो कितनी मिलेगी, 36। फिर अगले साल इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी 10%, तो कितनी मिलेगी, 1 रुपए 80 पैसे। मैं चक्रवृद्धि ब्याज के आप चैप्टर में देखना, मैं चक्रवृद्धि ब्याज जब उसमें होगी तो आप उसमें देखना, मैं चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन हो ये सबसे आसान तरीका होता। अब देखना कितना आ गया, ये 540, ये 54 और 1 रुपए 80 पैसे, ये कितने रुपए हो गए, 55 रुपए 80 पैसे। इसको इसमें जोड़ दूंगा तो लगभग कितना आ गया, 595.80। मैंने क्या कहा था 600 के आसपास होगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कितने साल की है, 3 साल की। ये तरीका समझ में आप लोगों के आता है, कभी भी आपसे कह दे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे कह दे 100 रुपए का 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ, साधारण ब्याज में अंतर। नहीं तो आप मालूम क्या करोगे, एक बार तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, एक बार साधारण ब्याज निकालोगे, अंतर करना फिर आप घटाओगे, कितनी बड़ी टेंशन का काम कर लिया हमने। तो सीधे करा 100 रुपए का 10% है तो 10 रुपए हो गए, 2 वर्ष है, एक बार और 10 रुपए लिख लीजिए। ये तो होती है साधारण ब्याज, 20 रुपए हो गई। अब इस 10 रुपए पे एक साल की ब्याज लगेगी नहीं लगेगी, ये तो पहले साल पर लगी थी, पहले साल की साधारण और चक्रवृद्धि बराबर होती है। अगले साल इस ब्याज पे तो ब्याज लगेगी 1 रुपए, तो ये एक नहीं, इसके आगे जितनी भी पैसे होते हैं वो सब अंतर होता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर होता है। तो कितने रुपए का अंतर आ गया, 1 रुपए का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ गई, 21 रुपए, साधारण ब्याज कितनी आ गई, 20 रुपए। ये तरीका होता है। देखिए 10वां क्वेश्चन घातांक का है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कभी भी अंडर रूट एक्स लिखा है तो एक्स की घात 1/2 होता है, यदि घनमूल लिखा हुआ है एक्स लिखा है तो एक्स की घात 1/3 होता है, यदि यहां पर एन लिख दिया जाए तो एक्स की घात 1/n होता है, यदि कबूतर लिख दिया जाए तो 1/कबूतर होता है, मतलब कुल होता है 1/ आता है। तो यहां पर देखिएगा यहां कितना लिखा है, एन, तो इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1/n और इसकी पावर कितनी है, 1/2 और पूरे की पावर कितनी है, 2। बिल्कुल बात क्लियर। अब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है, ये x की पावर 2/n हो गया, कि पावर n/2 की पावर 2, जब घात के ऊपर घात है तो फिर गुणा होगा, x की पावर 2/n (n/2) की पावर 2 x स्क्वायर। आप डायरेक्ट कर सकते थे कि इसके ऊपर 1/n आ जाएगी, जब 2/n आ जाएगी, n/2 है तो ये आपस में कट जाएगा, तो अंत में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, बिना लिखे हुए, कि आप जोर से लिखने में लगे पड़े कोई जरूरत नहीं है। यहां आइए, इसका मतलब क्या है, 3 की घात 1/2 की पावर 5, ये 3 का स्क्वायर की घात 2, 3 की घात n, 3 की घात 1, 3 की घात 1/2, 3 की घात 5/2, 3 की घात 4, 3 की घात n
प्लस एक बटे दो। इसी प्रकार ये गुणा में घाते हैं तो क्या होगी, जुड़ेगी, 5/2 + 4/3 एन प्लस एक और आधी डेढ़, आधार बराबर, तो घाते क्या होंगी, बराबर 5/2 + 4/n + 3/2। इसको इधर ले आए, एन बराबर कितना आएगा, 4 + 5/2 - 3/2, 4 + 5 में से 3 गए 2, 2 में 2 का भाग करेंगे 1, एन बराबर 5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 11वें का ऑप्शन बी सही है इसमें मेरे में। आप लोग अलग अलग उसमें हो सकते हैं कि आगे पीछे ऑप्शन भी कर दिए गए हो पेपर में, तो परेशान मत होना, आंसर देखना। और मेरे में 10वें का सी आंसर है, एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही है। देखिएगा 12वां क्वेश्चन, 12वें कहता है एक्स की घात 4 + 1/(x^4) = 119। तो कहता है एक्स की घात 3 - 1/(x^3) का मान बताओ। देखिएगा आप इसको क्या लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1/(x^2) का स्क्वायर है, प्लस 2a और b लिख लिया, इससे तो ये कट जाएगा, तो मैंने कितना जोड़ा है, 2 इधर जोड़ा है, तो 2 ही इधर जोड़ूंगा तभी तो बराबर होगा। यहां से यहां तक क्या बन गया, ये x² + 1/(x^2) का होल स्क्वायर, और इधर कितना है 121। वर्गमूल लिया, x² + 1/(x^2) = कितना जाएगा, 11। अब मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे यहां भी दिखाई देना चाहिए था और यहां भी दिखाई देना चाहिए, दिखाई ये देना चाहिए कि ये कितने का स्क्वायर है, किसी के पास है ये, 121 के पास है, किसके पास है ये, जिसका मतलब, इसका मतलब मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। ये कितना है, 11, ये कितने के वर्ग के पास में, सबसे पास में किसके पास है ये, इसके पास में कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, 9, मतलब 9 3 का वर्ग होता है, इसमें 9 है, तो इसका मतलब इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, और जब घटाना पड़ेगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, और जब जोड़ना था तो किसका बनेगा, प्लस का। तो मैंने क्या करा, x² + 1/(x^2) 2 इधर घटा दिया और 2 इधर घटा दिया। देख लीजिए, ये x - 1/(x) का ये होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जब इन दोनों का गुणा होगा इससे कट जाएगा, और ये 9 बचा, x - 1/(x) कितना आ गया, 3। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x³ - 1/(x^3) की, x³ - 1/(x^3) की। अब यहां पर करने का अपने अपने तरीके हैं, आपने क्या क्या तरीके हो सकते हैं सब पे चर्चा कर दीजिए। तो देखिएगा x³ - 1/(x^3), a³ - b³ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a - b a² + b² + ab, तो इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, x² + 1/(x^2) की वैल्यू कितनी है, 11, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 11 और 1 12 3 36। देखेंगे ऑप्शन है कि नहीं, इसका ऑप्शन है 36। अब इसमें एक बात है कि इसमें प्लस माइनस के चिन्ह भी लगे हुए हैं, कि प्लस माइनस के, तो देखिएगा जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या चिन्ह आएंगे, यहां पर प्लस माइनस के चिन्ह आएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, +-36, क्योंकि प्लस में भी आएगा और माइनस। और भी तरीका है, आपने और क्या तरीका है, x - 1/(x^3) क्या होता है, x³ - 1/(x^3) a b और a - b, a माइनस बी का होल क्यूब यही होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है x - 1/(x^3), 3 +-3। इसकी वैल्यू निकालनी है 3, ये कट गया, और x - 1/(x) की वैल्यू कितनी है, +-3, और ये कितना आ गया, 3 × 3 = 27, और ये जब ये 3 × 3 कितने होंगे, 9 को इधर लगे प्लस के 9, तो कितना आ गया x³ - 1/(x^3), लेकिन प्लस माइनस के चिन्ह होंगे, प्लस लेंगे तो प्लस वाला आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस वाला आएगा, तो कितना आएगा,
36, ये भी तरीका है। क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये दे रखा है और कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। आप देखो इसमें सब में 111 का भाग जा रहा है, 111 का भाग करोगे 9 आ जाएगा, भागित लिख देता हूं 11 कर दिया मैंने, इसमें भाग करोगे 8 वाई आ जाएगा, इसमें भाग करोगे 111 कम 111 और कितना चाहेंगे जी 11 घटाओगे तो 22 और 2 आ गए 222 दो बार, इसमें 111 का भाग करेंगे 8x 9y और इसमें 5 बार। अब इसको हल करने के लिए इसमें कर लीजिए 9 का गुणा, इसमें कर लीजिए 8 का गुणा, घटा दीजिए क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, घटा दिया 9 8 72 8 9 72 कट गए, 9 9 81 82 64 मतलब 81x में से 64x घटा दो, 12 नंबर 108 माइनस 40, 11 में से 4 गए 7 और 7 में 6 गए 1 और ये 68, x बराबर 17 चौक 68, x का मान 4 आ गया। यदि x का मान 4 यहां लगा दूं 9 चौक 36 प्लस 8y बराबर 12, 36 को इधर ले गया 8y बराबर माइनस 24 और y बराबर माइनस 3, किसका मान चाहिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7 14। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, दो समान त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम एन पी में ए बी बराबर 2.25, एम पी बराबर 4.5, पी एन बराबर 7.5, ई एन बराबर 7.5 और कोण एम कोण ए सी बी बराबर है एम एन पी इसके बराबर है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। फिर क्या कहता है, कोण ए बी सी ये वाला कोण किसके बराबर है एम पी एन कहता है बी सी की लंबाई ज्ञात करो, बी सी की इसकी, जरा पहले बात को सुनिए, यदि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर तो 100% ये कोण इसके बराबर होगा, जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा तो अपने आप होगा भैया, कोई सा ही मान लो, आप इसे 80-80 मान लिया, इसे 60-60 मान लिया, तो 80-60 कितने हो गए 140, ये भी 140 ये भी 140 तो 40-40 के बचेंगे, बराबर होंगे, और एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप, कैसे होते हैं समरूप, और समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजा, आपने संगत भुजा कौन सी होती है, समान कोण के सामने की भुजा संगत होगी, जैसे आपको बीसी चाहिए तो बीसी किसके सामने की है डॉट के सामने की, तो इसमें डॉट के सामने की कौन सी है एनपी बराबर। अब देखें कौन सी हमें भुजा मालूम है, ये वाली भुजा मालूम है, ये किसके सामने की है राइट के सामने की ए बी, यदि पहले हमने बी सी त्रिभुज की ली है तो इधर भी पहले इसी की लेंगे, अब इसमें राइट के सामने ही कौन सी है एम पी, इसका मान निकालना है एन एन पी का मान है 7.5, ए बी का मान है 2.25 और इसका मान है एम पी का 4.5, भैया पॉइंट ही हट गया, इस पॉइंट को हटाया नीचे 100 बढ़ गया तो बीसी बराबर कितना आ गया 225 इंटू 75 बटे 45 गुणा 100, 25 तिया 75 25 चौक 100, 15 तिया 45 15 225 3 पंजे 15, अब तो नहीं कट रहा मेरे को तो नहीं लग रहा, तो बीसी बराबर 15 बटे 4, ये बी सॉरी बीसी सही से लिख दूं, बीसी यदि हम भाग करें
चार तीन बारह, तीन बचे, चार से पॉइंट लगाया, चार से अट्ठाईस और चार पंजे बीस सेंटीमीटर, 3.75 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर पहला ही आंसर है। देखिए बीच बीच में आप देख रहे हो जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसकी मैं थ्योरी साथ में क्लियर कर रहा हूं, तो आप ध्यान से एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ें, छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान से पढ़ते हैं पूरे वीडियो ढंग से। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं 15 एक दिए गए समभुज त्रिभुज एबीसी, समभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, येरा समभुज येरा एबीसी, बीसी में डीईएफ एबी बीसी और एसी के मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी मध्य है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर, डीई ए बी मध्य बिंदु है, ये दोनों आपस में बराबर और ये एफ, ठीक है। अब क्या कहता है मध्य बिंदु है तो चतुर्भुज बीई एफ डी, बीई एफ डी कैसा क्या होगी आकृति क्या होगी यही पूछा है, बीई एफ डी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समलंब बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा। पहली बात तो आप ये समझें ये मध्य बिंदु है, पहली बात ये समभुज था समबाहु था, यदि ये छह का है तो ये भी छह का है, ये भी छह का है, तो छह का आधा तीन ये हुआ, तो तीन ये हुआ, तीन ये भी होगा, तीन ये भी होगा, सब आपस में बराबर है, ये टुकड़े तो सब बराबर है ही, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिएगा यदि मैं इसको मिला दूं, आप जरा विचार करिए ये बटे ये बराबर ये बटे ये होगा कि नहीं होगा, होगा, अरे मध्य बिंदु है तो जितना ये बटे ये बराबर ये बटे ये एक बटे एक, एक अनुपात एक आ जाएगा, और जब अनुपात बराबर है इन दोनों के तो ये इसके समांतर होगी। थ्योरी में यही कहती है कि यदि एडी, यदि आपने पिछली वीडियो पढ़ी हो, मैंने थेल्स प्रमेय पर 2016 के साथ पेपर में मैंने बात करी है वहां पर, तो इसलिए हर पेपर को अच्छी तरह पढ़ें क्योंकि मैं हर पेपर के साथ थ्योरी पे बहुत बात कर रहा हूं, आपको ज्यादा वीडियो इधर उधर नहीं देखनी पड़ेगी, आप पेपरों को अच्छी तरह देखोगे तो उसी में सारी बात आ जाएंगी। एडी बटे बीडी बराबर एएफ बटे एफसी, ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो तो डीएफ किसके समांतर होगा, डीएफ समांतर बीसी, बिल्कुल बात क्लियर है। इसी प्रकार इधर से देखो ये भी तो मध्य बिंदु है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये होगा, इसका मतलब इसके समांतर ये रही, ये पूरी इसके समांतर है, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, कौन सा चतुर्भुज पूछा है बीई एफ डी, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, यहां तक तो बात आ गई आपस में समांतर है। अब देखना ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं, और जब ये मध्य बिंदु होता है तो ये वाली भुजा इसकी आधी होती है, यदि आपने थ्योरम पढ़ी हो तो ये वाली भुजा इसकी आधी होती है, इसकी आधी होती है तो समझ इसके बराबर है, ऐसी ये इसके बराबर, इस वक्त चारों भुजाएं आपस में बराबर है और समांतर भी है, तो इसे बोलते हैं समचतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज समचतुर्भुज, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर सही होगा डी। तो ठीक है 16वां क्वेश्चन देखिए, अब 16वां क्वेश्चन कहता है एसी एक ऐसे वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त उसने ये तो नहीं बोला सबसे बड़ी, उसने कहा कि जीवा है। अब क्या कहता है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, कहता है यदि बी चाप एसी पर, एसी कोई जीवा है, एसी जीवा है, यदि बी एस चाप एसी पर कोई बिंदु है, बी कोई बिंदु है चाप एसी पर, चाप एसी पर बी कोई बिंदु है, अब कहता है ओ सी ए बराबर बी संस, ओ सी ए बराबर बी संस, तो कहता है ए बी सी का परिमाण क्या होगा, ए बी सी का ये बी है, ए बी सी का, अब आप इसमें आंसर देखिए, आपको ज्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं वो इसमें न्यून कोण नहीं दिखाई दे रहा, न्यून कोण खाली एक है 40 अंश,
आपको दिखाई दे रहे हैं या तो अधिक कोण, सब 90 से बड़े हैं, इसीलिए मैंने नीचे बना लिया है। और कभी भी ये गलती भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपने कहा कैसे करेंगे इसको, मैंने कहा इसको मिलाइए, यदि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 140 हो गया, और एक 20 20 40, 140 बिल्कुल सही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब ये वाला कोण इसका आधा नहीं होता, ये वाला कोण इधर वाले का आधा होता है, और इधर इस चाप के इधर यदि कोण बनेगा तो इधर वाले का आधा होता है। ये प्रमेय कि वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या प्रमेय और सुना मैं आपको, वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगुना होता है, आधा होता है, परिधि पर बना हुआ आधा होता है और केंद्र पर बना हुआ दुगुना होता है। तो देखिएगा पूरा ये होता है 360, 140 इधर तो इधर कितना चाहिए 220, और 220 का आधा ये कितना होगा 110। यदि इसी बात को सोचिए, यदि ये होता, ये AC है, ये केंद्र O है, OCA बराबर ये दे रखा है, ये दे रखा है 20। गलती से ऐसा हो गया कि आपने बना दिया इधर भी, आप AC इसको समझ गए, इधर बना दिया अभी, हो सकता है ये भी, कहता है ABC का मान बताओ, काम हमारा ज्यों का त्यों, इसको हमने इससे मिलाया, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्यों, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, तो ये आएगा 140। अब इस चाप के द्वारा ये केंद्र पर है, इसी चाप के द्वारा ये परिधि पर है, इसका ये आधा होगा, तो यदि 140 है तो कितना होगा 70। अब आपने ऑप्शन में देखा कि आपको 70 दिखाई नहीं दे रहा, आपको 70 दिखाई नहीं दे रहा, तो कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए तो 180 में से 70 को घटा दीजिए, कितना आ गया 110। इसका मतलब कोण ऊपर नहीं बना था, नीचे बनना चाहिए था, क्योंकि यदि मैं इधर बना दूं तो देखिए होगा क्या, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, सिस्टम सही होना चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि 17वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है, 3.4, 7.4 और आर 3.8 है, ठीक है, समकोण पी पर है, कहां पर समकोण है, पी पर, एक समकोण त्रिभुज है वो पी पर समकोण है, पी पर पी के निर्देशांक कितने, 3.4। अब तीन कोण तो 3.8 ऊपर होगा 100%, जो 3.8 वाला है, क्योंकि जो भुज है वो बराबर होगा, तो इसका मतलब जस्ट उसके ऊपर होगा, तो ये कौन सा नंबर है, R, और Q कितना है 7.4। तो क्या कहता है, लंब केंद्र के निर्देशांक, लंब केंद्र, भाई साहब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण जहां बनता है वही उसका लंब केंद्र होता है, क्या मैंने बोला, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जहां पर वो समकोण बन रहा होगा वही उसका लंब केंद्र होता है। आपने क्यों, वजह क्या है, लंब केंद्र होता क्या है, त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों के गुणनफल को, लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। अब यहां से लंब डालूंगा इस भुजा पर तो यही तो पड़ेगा लंब, और यहां से डालूंगा इस भुजा पर तो यही तो पड़ेगा, और जब इससे डालूंगा इस पे तो ऐसी तो पड़ेगा, ये यहीं से तो जाएगा, तो लंब केंद्र कौन सा हुआ ये, तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण जहां बनता है वही उसका लंब केंद्र होता है, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है,
अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है और समकोण और न्यून कोण त्रिभुज का अंदर होता है। बिल्कुल बात क्लियर। लंब, ये लंब केंद्र के बारे में बात चल रही है, तो बात और सुने, आपसे बात आई परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र होता है भुजाओं के लंबवर्धकों के कटान बिंदु को, भुजाओं के ये भुजा के लंबवर्धक के कटान बिंदु को, यहां से भी लंबवर्धक, ये लंब भी काट रही है यहां से और मध्य अर्धक भी कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। और अंतःकेंद्र क्या होता है, मतलब वृत्त कैसे आएगा, ये परिकेंद्र होता है बाहर त्रिभुज के तीनों। और अंतःकेंद्र जो होता है वो कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु को, कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु को अंतःकेंद्र केंद्र कहते हैं। और भुजाओं के लंब अर्धकों के अर्धकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं बिल्कुल बात क्लियर। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया 3.4। ये क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन तो आप यहीं देख लेंगे इतने में ही। कहता है थीटा बराबर 45 अंश, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताओ। अरे 45 यहां लगाओगे, सेक 45 का मान रूट टू होता है, कोसेक 45 का भी रूट टू होता है। एक कबूतर और एक कबूतर, दो कबूतर दो, और कबूतर किसको बोल रहे हैं, रूट टू को। तो आंसर क्या आ गया, 2√2। इसका आंसर सी है। इसका आता है अगला 19वां क्वेश्चन। उन्नीसवां क्या कहता है, साइन की पावर 6θ कॉस की पावर 6θ किसके बराबर होगा। अब आपको यह पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का यह होल क्यूब है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। साइन स्क्वायर प्लस 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यदि मैं 2 जोड़ लूं तो 2 घटाने पड़ेंगे, और जब 2 घटाऊंगा और एक और घट रहा है तो कितने घटेंगे, 3। आप देख लिए सही लिखा है नहीं लिखा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्लस के 2 साइन स्क्वायर और माइनस के 3, तो माइनस का एक ही तो बचेगा। अब फायदा क्या हुआ, इसे एक को तो लिखने की जरूरत है नहीं, गुणा में यहां से लेके यहां तक बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। ये आ गया इसका, इसका आंसर है ए, सही है ए। अगला देखिएगा अब 20वां क्वेश्चन। बीसवां 1 cot² a = 1 cosec बटे, आप जानते हो कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 cosec a।
और आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो, इस पर वर्ग लगा लिया, कोसेक ए प्लस वन और कोसेक ए माइनस वन, वन प्लस कोसेक ए, इससे ये कट गया, वन प्लस कोसेक ए माइनस वन, इससे ये कट गया कोसेक ए। ये आंसर है इसका, डी सही है। अब आते हैं हम 21 पर, देखिएगा 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कहता है जिस समय सूर्य की ऊंचाई, सूर्य की ऊंचाई 60 अंश होती है, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण जब 60 अंश होता है, उस समय की तुलना में जिस समय 30 अंश होती है, उस समतल पर जमीन पर मीनार की छाया 40 मीटर अधिक होती है। तो कहता है कि मीनार की लंबाई बताओ, मीनार की मतलब ऊंचाई बताओ। देखना ये मीनार सूर्यधर 60 अंश का ये कोण बन गया, 60 अंश। अब उन्नयन कोण कम हो रहा है तो इसमें सूर्य नीचे जा रहा है, तभी तो परछाई बढ़ेगी, ये नीचे आ गया, यहां आ गया, अब देख लो अपने आप ही बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई। कोण छोटा होगा तो लंबाई ज्यादा होगी, ये 30 अंश। पहले परछाई इतनी थी, अब इतनी हो गई, कितनी बढ़ी, यही तो बढ़ी है, कहता है 40 मीटर बढ़ गई। तो कहता है ये ऊंचाई बताओ, ये मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस वाली यदि देखें मेरी वीडियो, तो उसमें डायरेक्ट टेक्निक सब सिखाई गई होंगी। देखिएगा ये 60 है, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, बहिष्कोण है, बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग कहलाता है। यदि ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितनी होगी, 30, ये भी 30 और ये भी 30, तो ये 40, दोनों कोण बराबर, दोनों भुजा कैसी होंगी, बराबर, ये 40 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 40 मीटर। बिल्कुल बात क्लियर। अब देखिएगा मुझे तो ये ऊंचाई चाहिए और ये कोण मालूम है, कोण के सामने लंब चाहिए और कोण मालूम है, तो आप क्या लाओगे, साइन, और साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2 बराबर लंब बटे कर्ण 2 से 20 बार, एच बराबर 20 रूट 3 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 रूट 3 मीटर। इसका आंसर है डी। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है, संचयी बारंबारता को सदैव तोरण वक्र दर्शाता है, कौन सा वक्र, तोरण वक्र। तो इसका आंसर है सी। अब आते हैं हम 23 पर, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, 23वां कह रहा है कि दो समान समकोण, 23वां क्वेश्चन, समकोण LMN तथा त्रिभुज OPQ क्यों की ऊंचाई 48 और 36 है, 48 और 36 है, यदि OP 12 सेंटीमीटर है तो LM बताओ, OP 12 सेंटीमीटर है तो LM बताओ। दो समान समकोण लिखा हुआ है त्रिभुज OPQ, ठीक है, मैं 48 और इतने सेंटीमीटर ऊंचाइयां, ठीक है, OP बताओ। बात जम नहीं रही कि दो समकोण त्रिभुज LMN, भाषा इसकी आप एक बार चेक करिए, देखिएगा इसमें गलती क्या छपी है, LMN त्रिभुज दे रखा है, समकोण कह रहा है तो मैंने M यहां डाल दिया, और फिर दूसरा त्रिभुज कह रहा है OPQ, P पे समकोण बोल रहा है, ऐसा इसको बोलना चाहिए था समकोण। यदि अब इसको आप ऐसे बदल लो तो चेंज हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो नहीं हो पाएगा, LMN और OPQ कुछ नहीं करना है, बस OPQ। अब क्या कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयां 48 और 36 है, ओपी बराबर 12 है, ये 12 है, तो कहता है ये बताओ ये कितना होगा,
तो देखिए जरा गौर करिएगा, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, दो समान समकोण त्रिभुज समान है, समान समकोण त्रिभुज। अब समान समकोण त्रिभुज है मतलब इसका मतलब आप समझ जाइए, यदि L और ये समकोण है तो ये कोण इसके बराबर होगा, समान का मतलब यही मतलब है, और ये इसके बराबर होगा। तब वो कौन सा ऑप्शन निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है LM निकालो, LM LM किसके सामने की बजाय राइट के, LM तो इसमें राइट के सामने कितनी है OP, इसमें क्रॉस के सामने कितनी है NL, इसमें क्रॉस के सामने कितनी है Q, LM का मान कितना है LM निकालना है, OP 12 NL NL है 48 और ये कितने 36, 12 3 36, 3 1 3 और 3 6 18, ये आंसर होना चाहिए LM, LM LM का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये है, तो मुझे तो LMN लिखा था तो मैंने M को लिख लिया था, उसको कहने का मतलब है L समकोण है और यहां पर O समकोण है, जहां से शुरुआत करनी है वहां वो समकोण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कहता है क्वेश्चन है 23 क्या 24, 24 क्या कहता है, चौबीस में ये आकृति दी हुई है, ये व्रत, इस व्रत में ये बना हुआ है ये और ये पी क्यू एस और ये आर, ये एक्स, ये ओ और ये 35 किसके बराबर है, देखिएगा एक्स, ये एक्स का मान पूछा है, जरा विचार कीजिएगा, ये देखिएगा और तो कुछ दे नहीं रखा है किसी प्रकार से, जरा थोड़ा सोचिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। अब ये कैसे निकाल लें, ये बात क्लियर है कि ये कोण इसके बराबर होगा, प्रमेय होती है व्रत के किसी चाप द्वारा एक ही व्रत खंड में चाहे दीर्घ में बन रहा हो ये आपस में बराबर होते हैं। तो देखिएगा इसी चाप के द्वारा ये बन रहा है और इसी चाप के द्वारा ये बन रहा है, तो देखिएगा इस वाले त्रिभुज में देखिएगा ये 35 अंश है, ये कितने अंश है 90 अंश है, क्यों 90 अंश है, क्योंकि ये केंद्र है, ये जीवा खींची हुई है, ये व्यास का काम कर रही है, और जब व्यास है तो ये आधा व्रत हो गया, यही समझने की जरूरत थी कि ये 90 होगा, अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है, ये 90 और ये 35 कितने हो गए 125, 125 हो गए तो ये कितने होंगे 55, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, अब ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55। इसमें बस ये बात पकड़नी थी, ये केंद्र दिखलाया उसने कि ये व्यास है तो इसका मतलब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये समकोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये 55 आ गया, ये भी 55। अगला क्वेश्चन 55, इसमें ऑप्शन है बी, अगला 25वां, 25वां क्या कहता है, दी गई आकृति में पी ओ क्यू व्यास है, पी व्यास है, पी क्यू आर एस एक चक्र, पी क्यू आर एस क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है, ये आर और ये एस और ये 30 अंश और ये इससे मिला हुआ ये हो। अब क्या कहता है, पी एस आर बराबर 130 है भाई, 130 तो कहता है आर पी क्यू बताओ, आर पी क्यू ये वाला कोण बताना है, गौर करिएगा, ये केंद्र जब मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने ओ बना रखा है, ओ बना हुआ है तो ये आधा व्रत है, चक्रीय है तो पहली आती 130 है तो ये 50 का होगा,
जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष व्रत की परिधि पर होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये व्रत और ये चतुर्भुज यदि बना हुआ है, चारों शीर्ष व्रत की परिधि पर है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देख लीजिएगा ये चतुर्भुज बनना है, आमने सामने का 180, तो यदि 130 है तो ये 50 होगा। अब ये केंद्र और ये व्यास है, व्यास के दोनों सिरे यहां मिल रहे हैं, तो ये कितने का होगा? 90 का। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 ये 50, तो ये कितना बचा? 40। कितने अंश बचा? 40 अंश। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ए। अगला 26, 8x² - 18x + 9, इसके गुणनखंड बत करो। तो देखना 9×8 72 होते हैं, तो 12×6 72, देख लीजिए माइनस के 12 और माइनस के 6 - 18 बिल्कुल सही है। क्या कॉमन? 4x, 2x - 3, माइनस के 2 कॉमन, 3 कॉमन, 2x - 3 और 2x - 3 कॉमन, 4x - 3, यह है इसका आंसर है 2x - 3 और 4x - 3, इसका आंसर इसमें डी है, ठीक है ना। अगला 27वां देखिए क्या कहता है। 27वां क्वेश्चन कहता है, समीकरण दे रखा है x² - 19x + 10 = 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करो। सबसे पहले आप इसकी तुलना कर लो, ऐसे मेरे तरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा कि a का मान 1 है, b का मान -19 है और c का मान आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, और मूलों का योगफल आपने सीख भी रखा है, -b/a - -19 आ गया, इसका आंसर है सी से ही इसमें। उसके बाद 28वां, x² - 6kx + 5 = 0 का एक मूल 5 है, तो k का मान बताओ। यदि एक मूल 5 है, जो मूल होता है वह उस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसका मूल कितना दे रहा है वो 5, तो 5 लगा दो, 25 30k + 5 है, 30 - 30k = 0, 30k = 30 और k = 1, k का मान 1 आ गया, इसका है बी आंसर। अब आप आ जाइए 29वें क्वेश्चन पर, 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर कहता है a^x = b^y = c^z, b² = ac, तो y का मान बताओ। y का मान जरा गौर करिएगा, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, x बराबर यदि 3/2 = 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए बात को समझिएगा, आप जानते हैं प्लस का पक्षांतर करो तो माइनस होता है, माइनस का पक्षांतर करो तो प्लस होता है, गुणा का पक्षांतर करो भाग होता है, भाग का पक्षांतर करो गुणा होता है, इसी प्रकार घात का पक्षांतर करो तो घात पलट जाती है। इधर 3/2 तो 2/3 हो गई, तो ये कितना हो गया? 2^3 / 2/3, 2 का वर्ग 4। बिल्कुल बात क्लियर? तो यहां पर देखिएगा, मुझे ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, मैंने इसको k के बराबर मान लिया, तो a बराबर कितना आएगा? k^(1/x) पलट जाएगी, b = k^(1/y) और c = k^(1/z। यहां वैल्यू लगाइए, b का मान कितना है? k^(1/y) लिख के दिखा दे रहा हूं मैं आपको, k^(1/x) k^(1/z, k^(2/y), k^(1/x + 1/z), k^(2/y) = k^(1/x + 1/z।
आधार बराबर है तो घातें कैसी होंगी, बराबर दो बटे वाई बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई जेड, एक्स जेड लघुत्तम, एक्स से एक्स कटा जेड प्लस एक्स, पलट दो इसको वाई बटे दो बराबर एक्स जेड बटे एक्स प्लस जेड और वाई बराबर टू एक्स जेड बटे एक्स प्लस जेड। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टू एक्स जेड बटे एक्स प्लस जेड। कौन सा है ये 29वां क्वेश्चन, इसमें जो आंसर है वो डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन कहता है एक्स प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड है तो k का मान बताओ। x प्लस तीन इसका एक गुणनखंड है, यदि x प्लस तीन इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर माइनस तीन इसको क्या करेगा, संतुष्ट, माइनस तीन लगाया नौ माइनस तीन के प्लस 12 बराबर जीरो, तीन के बराबर 21, तीन के को इधर ले गया और के बराबर 7, के का मान कितना आ गया 7 आ गया। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, 31वां कहता है ए बी 8 5 10 का समांतर माध्य 6 है और इसका प्रसरण प्रसरण 6.80 है, तब ए और बी का मान संभव होगा, क्या संभव होगा। देखिए प्रसरण निकालते समय तरीका क्या होता है, इसमें से इसको घटाइए 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाइए 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर बटे कितने है ये 1 2 3 4 5 5 का भाग कर दिए, इसका मान कितना है प्रसरण 6.80 लगा दिया बाद में, गुणा कर लीजिए 6 5 30 हो गया और 8 5 40 30 और 4 कितने में 34 हो गया, आप आराम से गुणा कर लीजिएगा 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 8 गए माइनस 2 का वर्ग 4, 6 5 गए 1 का वर्ग 1, 6 में से 10 गए माइनस 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20 और 1 21, 21 को इधर ले आए तो 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 21 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 13 13 और 21 34 होते हैं, 34 होते हैं बिल्कुल सही, ये आ गया। अब 6 माइनस ए का होल स्क्वायर जिस रूप में है उसी रूप में आपको लिखना है, कैसे लिखें आप, 6 में से कितना घटाएं, 6 मुझे 13 बनाने, 6 में से ही यहां घटाना है और स्क्वायर करना है और 6 में से यहां घटाना है और स्क्वायर करना है, इसी रूप में लिखना है। अब 6 में से कितना घटाऊं, अब ऑप्शन के साथ साथ करते आएंगे, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0, यदि 6 में से 0 घटाऊं, 6 में से 0 घटाऊं तो कितना आएगा 6 और 6 का वर्ग कितना है 36 और इसमें b का मान कितना रहेगा 7, 6 में 7 माइनस 1 जब 36 हो जाएगा और यहां है कुल कितना 9, तो नहीं आ सकता ये 9 नहीं आएगा। अब आप यह ध्यान दीजिएगा हमें लाना तो 13 है, 6 अब दूसरा ऑप्शन 6 में से 5 घटाएं, दूसरा 5 6 5 का 1 1 का वर्ग 1 और b का मान 2 है, 6 में 2 के 4 4 का 16 ज्यादा हो जाएगा नहीं होगा। अगला a का मान 1 c और b का मान 6 1 घटाऊंगा, 6 में से 1 गए 6 में से 1 गए 5 5 का 25 ज्यादा हो गया ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट है a का मान 3 a 3 लगाया लागे दिख रहे हैं स्क्वायर और b का मान कितना लगाया 4, 6 में से 3 गए 3 3 का वर्ग 9 और 6 में 4 गए 2 2 का वर्ग 4 4 और 9 13 बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब ये लगा सकते हैं। अब देखिएगा कितना आ गया, तो आपने कितना मान आया a का मान कितना आया 3 और b का मान कितना आया 4, ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से आपको सेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है 32 log 128 base 8,
सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका, आप एक काम करें, इसको लॉग 128 बटे लॉग 8 लिख लें आप। जब बेस में इस प्रकार से हो तो लॉग ए बेस बी हो तो लॉग ए बटे लॉग बी लिख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। लॉग ये दो की घात कितना होगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, 2 की घात 7, और लॉग 2 की घात 3, 7 आगे आ गया, 3 log 2 इससे कट गया, कितना आंसर आ गया, 7/3 आ गया, ये आंसर है ए इसका। देखिए ये आप व्यू का क्वेश्चन दे दिया है जो कि आपके 12th में आप व्यू है, मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। अब इसका करना क्या है, कह रहा है ए स्क्वायर बराबर ए है या बी स्क्वायर बराबर बी है या ए बी, मतलब ए स्क्वायर, यदि हम ए स्क्वायर करने की कोशिश करें तो क्या होगा, जरा गौर करिएगा आप। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए, ए की वैल्यू 1, 2, -3, 0। देखिए मैं आपको करने की वजह से पूरा लिख के दिखा रहा हूं। अब देखिए गुणा करना है, कैसे गुणा करते हैं, इसका ऐसे छेते जैसे दो लाइन और इसका ऐसे, तो क्या होगा इसका 1 का 1 में + 2 का -3 में हो गया। अब इसका इसमें जब तक आगे करते जाएंगे आगे लिखते जाएंगे, इसका इसमें करेंगे तो 1 × 2 + 2 × 0, इसी प्रकार नीचे आई आओ, अब आगे तो लाइन है नहीं, आओ अब नीचे ले भाई, तो नीचे उतर जाएंगे हम, इसका ऐसे -3 × 1 + 0 × -3, फिर इसका ऐसे -3 × 2 + 0 × 0, 1 − 6 − 5 − 3 − 2 − 6, क्या ये ए स्क्वायर ए के बराबर है, नहीं है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है बी स्क्वायर बराबर बी, तो बी स्क्वायर निकालेंगे आप, बी गुणा बी -1 − 0 − 2 − 3 − 1 − 0 − 2 − 3 गुणा करिए, इसका इसमें करेंगे तो -1 का -1 होगा 1 और 0 का इसमें होगा 0, डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका इसमें करेंगे। अब यही तो बात है, आप कहेंगे इतना लंबा ऐसे जल्दी हो जाते हैं, 0 + 0, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा -2 + 6, इसका इसमें करेंगे 0 + 9, क्या ये बराबर आ रहा है बी के, क्या ये बी के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब कि ये बी आंसर भी इसका नहीं है। आई क्या कहता है ए बी बराबर बी ए है कि नहीं, ए बी ए का बी में गुणा करना है। देखिए जो इंटरमीडिएट करता है वो तो फटाफट ऐसे करता है गुणा, आप ऐसे नहीं करता, इसका इसमें -1 + 4 + 3, इसका इसमें 0 × 3 = 6, इसका ऐसे 3 + 0 = 3, इसका ऐसे 0। अब बी ए निकाल के देखो, बी ए का मतलब क्या है, अब बी वाली की ऐसे लेंगे और इसमें ऐसे करेंगे, इसका ऐसे -1 और ये 0, कितना आ गया -1, और इसका ऐसे, जब इसका ऐसे करेंगे तो कितना आएगा इसका ऐसे -2, फिर नीचे ले इसका ऐसे 2 × 2 − 9 − 7, क्या बराबर आ रहा है ए बी और बी बी आपस में, इसका ऐसे करेंगे 4, क्या आपस में बराबर आए, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी बराबर नहीं है बी ए के, इसलिए इसका आंसर अब कौन सा होगा, इसका आंसर देखिए इसमें दे रखा है 33 का आंसर है, ए बी बराबर नहीं है बी ए, सी में दे रखा है, इसका आंसर कौन सा सही हुआ, सी। आपको देखने में ये लंबा लगा होगा कि करने में, मैं देखो यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो जो इंटरमीडिएट करता है उसके लिए आसान है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एकाध जो कि इंटर के चैप्टर के, तो उसको आपको सोचना नहीं चाहिए ज्यादा, आपको 50 में से 45 ऐसे छांटने चाहिए जो बिल्कुल सही जाने के आपको लगे।
एक आध क्वेश्चन इधर उधर, टाइम बिताने का तरीका नहीं ढूंढना चाहिए। अगला देखिए क्या है, अगला है 34। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34वां कैसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों का गुणोत्तर माध्य। देखिए दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ये दो संख्या a और b हैं तो उसका गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट ए बी। कह रहा है इनके मूलों का गुणोत्तर माध्य, इसका मतलब मूल किसमें होना चाहिए, गुणा में। और मूल गुणा में क्या आता है, मूल गुणा में होता है सी अपॉन ए, आपने पढ़ रखा है, और सी का मान 9/1 बराबर 9 आ गया। और मूलों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, मूलों का गुणोत्तर माध्य मैंने क्या सिखाया, वहां लिख के दिखाया, माध्य अंडर रूट में लिख दीजिए इसको, अंडर रूट 9, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 दे रखा है, 3 ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 34 35। 35 कहता है ये समुच्चय का है, और समुच्चय के बारे में मैंने आपको सिखाया। यदि आप सोचिए 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपने इनवाइट कर रखा है, अब 10 में से 5 चाय पीते हैं और 7 कॉफी पीते हैं, आपने कहा थे तो 10, अब 5 चाय पीने लगे और 7 कॉफी, 12 हो कैसे गए, अरे उसमें से कॉमन भी है, इसका मतलब कितने फालतू हैं, 7 5 12 दो फालतू हैं, इसका मतलब दो लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, मतलब कुल देखेंगे कितने और अलग अलग कितने कर रहे हैं, जितने फालतू होंगे वो कॉमन होंगे। इसी में फिर कलाकारी कर देता है, 10 लोगों को बुलाया, उसमें से 5 तो चाय पीते हैं, 7 कॉफी पीते हैं और 2 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, तो इसका मतलब जो आपने 10 को बुलाया उसमें से 2 तो कुछ भी नहीं पी रहे, आपके काम के कितने, 8 काम के 8 हैं जो कॉफी और चाय पी रहे हैं। अब 5 और 7 12 लोगों ने पिया, 8 काम के थे अब 12 ने पिया, इसका मतलब 4 ऐसे हैं जो कॉफी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। सबसे आसान तरीका बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का, यही इसमें देखिएगा, नहीं तो बहुत लंबा आप लिखोगे। 35 क्या कहता है, 70 व्यक्तियों के समूह में कुल कितने लोग हैं, 70। 35 हिंदी भाषा बोलते हैं, 45 और 33 अंग्रेजी बोलते हैं, और 10 ना तो हिंदी बोलते हैं और ना अंग्रेजी बोलते हैं, 10 ना तो हिंदी बोलते हैं और ना अंग्रेजी बोलते हैं। जब ना हिंदी बोलते हैं और ना अंग्रेजी बोलते हैं तो वो तो हमारे किसी, हमें तो हिंदी और अंग्रेजी की बात करनी है, तो इसमें से आप 10 घटा दोगे, इसका मतलब हमारे काम के कितने, 60। अब क्या कहता है, जो दोनों भाषा बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग मिलने वाले कितने हो गए, इनको जरा जोड़ो कितने, ये 78। ये 78 है और है कुल हमारे पास कितने जो काम के, 60, तो 78 में से 60 घटा दो, कितने आ गए, 18। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 बी आंसर होगा। यदि इसमें 70 ये 10 नहीं बोला होता कि 10 इनमें से कोई भाषा नहीं बोलते, तब हम क्या करते, 78 में से 70 घटाते। आपने हमें तो फॉर्मूले से करना है, तो भाई देखो 70 लोग थे, 10 लोग कुछ भी नहीं करते, तो हिंदी यूनियन इंग्लिश कितने हो गए, 60, क्योंकि 10 तो कुछ करते नहीं है। नंबर ऑफ हिंदी कितने, यदि फॉर्मूले से करोगे तो ऐसे करोगे, 45। नंबर ऑफ इंग्लिश कितने, 33। और नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर होता है नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये 60, ये 45, ये 33, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इसको इधर ले आए, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 78 माइनस 60 18। छत्तीसवां क्वेश्चन देखिए क्या है, 36वां क्वेश्चन कहता है कि 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस ky प्लस ky प्लस 6 बराबर 0 एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसकी प्रवणता कितनी है, m1 माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, और इसकी प्रवणता कितनी है, m2 माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक 3/1 की।
और दोनों की प्रवणता जब लंबत है तो या तो तरीका आप ये याद रखिए m1 गुणा m2 बराबर माइनस वन, आप जानते हैं पहले की प्रवणता माइनस पांच बटे तीन इंटू तीन बटे के बराबर माइनस एक, माइनस से माइनस कट गया, तीन से तीन कट गया, क्लस मिल गया, के बराबर पांच, ठीक है पांच आ गई। या सिंपल सी बात, जब भी दो रेखाएं परस्पर लंबत हो किसी भी एक प्रवणता का उल्टा करिए और चिन्ह बदलिए इसके बराबर रख दिए, कैसे तीन बटे के लिख लिया, अब लंबे तो इसको उल्टा करिए और चिन्ह बदल दीजिए के बराबर पांच, डायरेक्ट ऐसी नहीं यार, यदि समांतर हो तो दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए। अगला छत्तीस सैतीस, सैतीस कहता है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टेन बराबर जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस बीस बराबर जीरो के बीच की दूरी ज्ञात करें, समांतर रेखाएं आपने कैसे समांतर है, ये माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक माइनस तीन बटे चार, माइनस तीन बटे चार समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है इस कॉन्स्टेंट में बड़े में से छोटे को हटा दिए, बीस माइनस दस बटे अंडर रूट, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं इधर जीरो कर लेना चाहिए, एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग दस बटे, इसको हल करोगे पांच और दो आ गया, तो कितना आ गया इसका दो, दो इकाई। अगला आता है समचतुष्फलक, इसकी थ्योरी में अलग से आगे आप देखिएगा और वीडियो में, समचतुष्फलक क्या है, जिसका आयतन, जिसका आयतन कितना है, आयतन है चौसठ रूट तीन, और समचतुष्फलक का आयतन होता है दो रूट दो बटे तीन, चौसठ रूट तीन, और ये सॉरी और भुजा का क्यूब, तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया चौसठ रूट तीन गुणा तीन बटे दो रूट दो, दो से कितनी बार कट गया बत्तीस बार, और इससे रूट दो से कट जाएगा सोलह रूट दो बार, और सोलह तीन अड़तालीस रूट छः, अब ये देखना कितने का होल क्यूब है, आठ छः अड़तालीस, दो रूट छः का ये होल क्यूब है, आप करके देख लो, दो का क्यूब आठ और रूट छः का क्यूब छः रूट छः, आठ छह अड़तालीस, बिल्कुल सही आ रहा है, तो एक्स बराबर कितना आ गया दो रूट छह, ये तो भुजा आ गई, आपसे पूछा क्या है ऊंचाई, और ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध होता है, टू अंडर रूट दो बटे तीन इंटू एक्स भुजा, ये ऊंचाई होती है इसकी, तो दो रूट दो बटे तीन इंटू भुजा कितनी आ गई दो रूट छह, दो दूनी चार, और रूट तीन से रूट दो बार कट जाएगा चार, और रूट दो का रूट दो में दो, और ये हो गया आठ, आंसर है आठ, आठ सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया डी इस बुक के हिसाब से। अगला क्या कहता है, अगला आपसे कहता है फिर अगला उनतालीसवां, उनतालीसवां कहता है कि एक व्यक्ति एक बैंक के आवर्ती खाते में 200 रुपए प्रति माह जमा करता है तो 9% की वार्षिक दर से ब्याज पाता है तो एक वर्ष पश्चात कितनी राशि होगी। पहले आप यह देखिएगा, इन ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका सुनिए, देखिएगा पहले महीने उसने 200 रुपए जमा करे तो उसको कितने महीने की ब्याज मिलेगी, पूरे बारह 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 महीने की। दूसरा जो करा उसने फिर कितना करा, फिर 200 रुपए, अब 400 रुपए हो गए, फिर कितने हो जाएंगे 600 रुपए हो जाएंगे, तो आखिर उसे कुल कितने रुपए हुए उस खाते में, एक एक महीने की ब्याज जोड़ेंगे, पहले महीने में 200, फिर अगले में कितने 400 पे ब्याज मिलेगी, फिर उसके बाद कितने मिलेगी 600 पे ब्याज मिलेगी, फिर लास्ट में आके उसे कितने मिलेगी 2400 पर। एक महीने का मूलधन निकाल लेते हैं, उसने जमा तो करे होंगे कुल 2400 ही, लेकिन हम ब्याज जोड़ने के लिए एक माह का मूलधन निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या हो गया, ये कितने महीने हैं 12, अब आप इसका योगफल, यदि आप जानते हो n बाई टू ए प्लस एल होता है, समांतर श्रेणी बन रही है, n बाई टू 12 बटे 2 200 प्लस एल के लिए 2400, दो से छह बार, छह गुणा 2600,
जीरो जीरो छह चिंग छत्तीस छह तीन हासिल और छह दूनी बारह और तीन पंद्रह। अब इस पे ब्याज निकाल लेते हैं और साधारण ब्याज क्या होती है, ब्याज बराबर मूलधन पंद्रह छह सौ गुणा दर गुणा समय, समय होगा एक बटे बारह। एक साल नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने एक महीने के हिसाब से जोड़ लिया कि पहले महीने में 200 पे ब्याज, अगले में 400 पे, फिर 600 पे, लास्ट वाले महीने पे कितने 2400 पर। तो मैंने हर जिस पे भी ब्याज मिलेगी उस मूलधन को जोड़ा, तो मैंने एक महीने का कर लिया, महीने का। अब कितना आ गया 100 और इस जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, चार तिया बारह, चार नम छत्तीस, नौ तीय सत्ताईस के साथ दो हासिल, तीन तीन दो ग्यारह रुपए। ये तो ब्याज आ गई। और उसने पूछा क्या है, ये देखना पड़ेगा। उसने पूछा है एक वर्ष पचास कितनी राशि होगी, एक वर्ष पचास राशि, राशि कितनी होगी, 2400 रुपए तो उसके खाते में होंगे भाई, 200 रुपए हर महीने जमा करते, 12 दिन 2400 रुपए जमा करे, और ब्याज कितनी मिली 117 रुपए, तो 2517 रुपए हमने हर महीने का निकाल लिया कि पहले महीने में कितने ब्याज, दूसरे महीने में कितने ब्याज, एक महीने का निकाल लिया। तो ये एक महीने का मूलधन बना दिया, तो एक महीने का बनाया, तो ये तो मैंने साल में मतलब एक बटे बारह। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 39 क्या आता है 40, 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालीसवां कहता है अंडर रूट 3/7 कि पावर x प्लस वन बराबर 343/27, तो x का मान बताओ। देखिएगा ये 3/7 की घात 1/2 की पावर कितनी है x प्लस वन, इसको हम कितना लिख सकते हैं 7 की घात 3, और इसको कितना लिख सकते हैं 3 की घात 3। ये घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा, 3/7 की घात x प्लस 1/2, ये 7/3 की घात 3 है, पलट दो तो 3/7 की घात माइनस 3, आधार बराबर है तो घाते हैं बराबर, x बराबर माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7, कहां है ये है, इसका ए आंसर है इसमें, उसका आती है 41। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जब मैं आपको सिखाता हूं मेंसुरेशन, आप शुरू से सारी वीडियो देखिएगा कि जब मैं सिखाता हूं तो मैं बड़ी जबरदस्त टेक्निक सिखाता हूं। कैसे, कभी भी परसेंट का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको पृष्ठ में वृद्धि चाहिए। घन की, घन का पृष्ठ होता है 6x2। अब यदि 50% की प्रत्येक भुजा में वृद्धि हो रही है तब भी वो घन का घन ही रहेगा, और जब घन का घन ही है ज्यों के त्यों आकृति रहे तो कॉन्स्टेंट को छोड़ देना चाहिए। तो मतलब किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स स्क्वायर पर। और मैं कहता हूं उसमें कैसी भी भुजा आ जाए, LBH अलग अलग हो तब भी एक 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 मान लो, तो आपने भुजा मान ली एक, एक का वर्ग एक। 50% की वृद्धि हुई, 50% मतलब 50/100 परसेंट का निशान हटाया और ये आ गया 1/2.5, ये वृद्धि हुई है 0.5 की, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है तो यहां वृद्धि कर दो 1.5 2.25, कितने की वृद्धि हुई, ये 1 और ये 2.25, घटा दो इसमें से इसको 1.25। अब इसको हम बदलेंगे परसेंट में तो कितने का गुणा करेंगे 100 का, कितना आ गया 125% की वृद्धि होगी। सबसे आसान तरीका, जब भी मैंने मेंसुरेशन, आप मेंसुरेशन में देखो मैंने यही तरीका सिखाता हूं। अब मैं जब मैं आपको बहुत जल्दी डालने वाला हूं जो इस साल आने वाले क्वेश्चनों में से उस तरीके का पेपर अपनी तरफ से, उसमें मैं सारी टेक्निकों पे बात करते हुए डालूंगा, सारी लंबी वीडियो आएगी बहुत, उसमें आप देखिएगा एक सारी बातें उस पर 5-5 उदाहरण देते हुए सब पर। तो देखिएगा अगला क्या है, आप वीडियो लगातार बस देखते रहें बहुत ध्यान से, और देख देख के करते भी जाए साथ में। अब आ गया आपका 41 के बाद 42, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस क्यूब है, सॉरी वर्ग नहीं है, क्यूब 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 डॉट 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 डॉट,
इसको हम सिग्मा एन क्यूब भी लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब समेशन होता है और इसका योगफल होता है, याद कर लिएगा, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। इसमें है कि नहीं? और देखो इसने क्या कर दिया है, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, एन स्क्वायर हो गया, इस पर भी आएगा, एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया बटे चार। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, तैतालीसवां कहता है निम्नलिखित समीकरण निकायों में से किसके अनंत हल होंगे। देखिए दो समीकरण हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर पांच और थ्री एक्स माइनस फोर पॉइंट फाइव वाई बराबर सेवन पॉइंट फाइव। अब सी दोनों में इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ए वन बटे ए टू निकाला दो बटे तीन, बी वन बटे बी टू निकाला माइनस तीन बटे साढ़े चार, माइनस के माइनस आंस कट गया जीरो पे बढ़ गया, पंद्रह पंद्रह पैंतालीस दो बटे तीन। और सी वन बटे सी टू कितना आ गया, पांच बटे साढ़े सात, पच्चीस दूनी पचास, पच्चीस दुनिया पचहत्तर दो बटे तीन। तो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू है, तो क्या अनिवार्य पहला ही आंसर सही है, इसके अनंत हल होंगे। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उसके अनंत हल होते हैं। यदि ए वन बटे ए टू बराबर ना हो बी वन बटे बी टू तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय होते हैं इसमें। और यदि ऐसा हो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर ना हो सी वन बटे सी टू तो कोई हल नहीं होता इसका। तो अगला देखेंगे अब, तैतालीस के बाद चौवालिस, चौवालिस 44 क्वेश्चन क्या कहता है, 44 क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने लागत मूल्य पर सब्जी बेचने का दावा करता है, मतलब जितनी उसकी लागत है उतना ही पे बेच रहा है, लेकिन क्रय और विक्रय करते समय भार में 25% का धोखा देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। मतलब खरीदते समय भी 25% का धोखा दे रहा है और बेचते समय भी 25% का धोखा दे रहा है, इसका मतलब समझिए आप। जब भी परसेंट का क्वेश्चन हो, 100 मान लो, 44वां क्वेश्चन है, मतलब 100 जब खरीद रहा है या 100 रुपए का जब खरीद रहा है तो उसने 25% का बेईमानी करी थी, इसका मतलब 75 रुपए का जब होगा तो उसने 100 रुपए, जब 100 रुपए की वस्तु होगी तो उसने कितने में खरीद ली, 75 रुपए में खरीद ली 100 रुपए की वस्तु को। अब इस 100 रुपए की वस्तु को 25% लाभ में बेचता है और उसको धोखा दे रहा है। अब ये 100 आपके पास 100 रुपए की आ गई, अब 100 रुपए वाली वस्तु कितने में बिक रही है, वो 100 रुपए की थी 125 में, तो मतलब उसने 75 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 125 में बेच दी, तो कितने रुपए का अंतर आया, 125 में से 175 घटाइए, खाली 75 बटे, फायदा तो उसने इसी पे कमाया है वास्तव पर, 75 गुणा 100 125 में से 75 गए 50 बटे 75 गुणा 100 25 दूनी 50 25 तीन 75 200 बटे 3 3 छिंग 18 3 छिंग 18 2 बटे 3 66 सही 2/3% ये हुआ। बड़ा आसान तरीका है, वैसे आप मत सोचिए कभी परसेंट किया तो उसने कहा 25% खरीदते समय बेईमानी कर लेता है, इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु उसने ले ली लेकिन वो वास्तव में थी कितने, वो 100 रुपए की तो वस्तु उसने ले ली और कितने रुपए में ले ली उसने, 75 रुपए में ही ले ली, क्योंकि वो 25% का फायदा कर रहा है। और फिर उस 100 रुपए की वस्तु कितने बेच दिया उसने, 125 में बेच दिया, 25% का फिर फायदा कर लिया। तो कहता है कितने रुपए का फायदा कर लिया उसने, ये अगला देखिएगा, इसका आंसर है 44वां, 44वें का बी सही है, ठीक है। 45वां क्या कहता है, साइन 70 प्लस कॉस 40 बटे कॉस 20 प्लस साइन 50, इसका हल क्या होगा। देखिएगा यहां साइन 70 है, साइन रहने दिया, आप इसको साइन में बदल सकते हो, 90 में से घटाए थे तो परिवर्तन हो जाता है, तो साइन कितना हो गया, ये 50 हो गया,
इसको भी साइन में कर लो, सब कुछ साइन में कर लिया, ये कितना आएगा 90 में से घटाओगे साइन 70 और ये साइन 50 है, ऊपर नीचे एक से तो भाग करोगे तो एक आएगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा डी। अब हम आगे 46 पर, 46 क्या कहता है? 46 कहता है कोण ओ ए बी बीसंस, कोण ओ सी बी बराबर 30 अंश, कोण ए ओ सी का मान बताओ। और ये चित्र दे रखा है, ये वृत्त है, ये रहा ए सी बी और ये ओ, ये 20 और ये 30। अब क्या कहता है? अब ये कहता है, ये कहता है 30। अब क्या कहता है? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए ओ सी की। अलग कोण, इस कोण पे देखिएगा मैंने क्या करा, इसको इससे मिला दिया। यदि ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। क्यों? ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। इसी प्रकार ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। अब ये कितना होगा? 320 50। तो इसका ये क्या होता है? दूना। तो ये कितना होगा? 100। इस प्रकार से आप बड़े आराम से कर सकते। आगे देखिएगा, इसके बाद बात इससे आगे आती है, बात आती है 47। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने बस इसको इससे मिलाया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि त्रिज्या है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भी त्रिज्या है, ये कोण इस कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर, कोण इसके बराबर। ये कुल कोण कितना हो गया? 50। परिधि पे बना कोण 50 है तो केंद्र पे कितना होगा उसका? दूना 100। 47वां क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर है, ठीक है, क्रम से 36 और 24 है। पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, तब ए बी की माप बताओ, इसकी माप बताओ। आपको मालूम होना चाहिए समरूप त्रिभुजों के जो परिमापों का अनुपात होता है वही भुजाओं में अनुपात होता है, वही ऊंचाइयों में अनुपात होता है, वही संगत ऊंचाइयों में भी होता है। तो परिमाप, परिमापों का अनुपात है 36/24, तो इसकी संगत भुजा ए बी, तो इसकी भुजा कितनी है? 10। 12 × 24 12 × 36 2 से 5 बार ए बी बराबर 5 × 15 सेंटीमीटर। अगला, यहां तक आ गए हम, 15 ही आ गया। अब आ गया 48वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने क्रम से जोड़ने पर चार त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं देखिएगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं के ए बी सी मध्य बिंदु को मिलाने से कैसे त्रिभुज बनेंगे देखिएगा, आप जरा गौर करिएगा। जब मध्य बिंदु है, ये भी मध्य, ये भी, तो जितना अनुपात इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, इसका ये इसके समांतर है, और जब ये समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब बात को आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसको मिला दिया, अब ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होंगे तो कौन से कोण बराबर होंगे? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यदि ये क्रॉस में है तो ये भी किस में होगा? क्रॉस में होगा। यदि मैं इसको मिला दूं, ये अनुपात बराबर है तो ये इसके समांतर है, अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, राइट हो गया, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, थीटा हो गया। अब जरा गौर करिएगा, जब मध्य बिंदु मिले तो ध्यान दीजिए, ये भुजा इस पर ये हो गया। अब इस पर यदि हम गौर करें तो यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा है,
और ये बीटा है तो ये भी बीटा है। अब इसमें होगा क्या, कोण तो इसमें कोई बराबर दिखाई नहीं दे रहे, ये कोण देखिए अल्फा, तो देखिएगा यहां तो आपको ये बीटा ये बीटा, यहां तो ये तीनों में कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप समरूप मत बोल देना। अब बात को समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या है जरा गौर करिएगा, ये तो इसके बराबर है, मध्यबिंदु है तो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। अब आपको मालूम है कि जब ये मध्यबिंदु मिले, ये बटे ये बराबर, ये बटे ये है, मतलब ये वाली भुजा इसकी आधी है, ये वाली ये देखिए ये जितनी है उतनी ये है, तो ये कितनी है पूरे की आधी, तो ये भी क्या होगी इस सामने वाले की आधी, यदि आप थेल्स प्रमेय से देखोगे तो जितनी ये होगी उसकी ये क्या होगी आधी, मतलब ये आधी होगी तो ये इसके बराबर होगी। इसी प्रकार इस सामने वाले की ये हो गई, इस सामने वाले की इसकी ये बराबर होगी और इस सामने वाले की ये बराबर होगी। तो देखिएगा त्रिभुज कैसे हो गए, किसी भी त्रिभुज को देख लीजिए, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, तो इसका मतलब प्रत्येक त्रिभुज में भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब कैसा त्रिभुज होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा, समरूप नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कभी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चार त्रिभुज, चार बनने एक दो तीन चार, ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 49। 49वां क्या कहता है, 49वां कहता है दिए गए चित्र में, भैया चित्र दिया हुआ है, ये व्रत एक जीवा ये गई, एक जीवा ये गई, ए पी पी सी और ये डी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, ए बी और सी डी दो जीवाएं बिंदु पी पर काटती हैं, पी पर मिलती हैं, ए बी बराबर 5, पी बी बराबर 3 तथा पी डी बराबर 4, तो सी डी का मान बताइए। देखिएगा जब किसी व्रत की दो जीवाएं बाहर या अंदर काटें तो उनके खंडों के गुणनफल बराबर होते हैं। काट कहां रही है, यहां पर, ये बाहर काट रही है, तो यहां से यहां तक कटान बिंदु से एक सिरे तक, फिर कटान बिंदु से दूसरे सिरे तक, कटान बिंदु से एक सिरे तक पीसी इंटू पीडी, और पीए का मान कितना है 3 और 5 8, पीबी का मान कितना है 3, यहां से यहां तक पता नहीं, इंटू पीडी का मान 4 4 2 8, पीसी का मान कितना गया 6, मतलब पीसी यहां से यहां तक 6 पूरी, तो अंदर वाली कितनी होगी 6 में से 4 घटा दो कितनी आएगी 2, सी डी बराबर आ जाएगी पीसी माइनस पीडी। पूछी कौन सी है ये तो देख ले, हमने तो देखा नहीं, सी डी पूछी है, ये 6 और पीडी कितनी है 4, 2 सेंटीमीटर। अब एक अंतिम क्वेश्चन देखिएगा 50वां, क्या कहता है, 7 के पहले 5 गुणजों का औसत, 7 के पहले 5 गुणजों का औसत चाहिए, औसत 5 कौन कौन से होंगे, 7 गुणज 14 21 28 और 35, इसका औसत चाहिए, कितनी संख्या है 5 5 का भाग कर दो, जोड़ो 8 5 13 और 1 14 और 4 18 और 7 25, 2 हासिल, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 बटे 5 5 2 10 1, कितना औसत आ गया 21, इसका आंसर बी है। इस प्रकार से ये आपका 2017 का मैथ का पेपर ये पूरा सॉल्व होता है। अब देखिएगा आप ऐसे नहीं कि इसे बड़ा बड़ा के उल्टा सीधा देखना ही, आप देखते आइए 2015 से चेंज आता जा रहा है, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से करें, कॉपी रखें ध्यान से, जैसे समझाया फिर आप अपने आप करने की कोशिश करें, तब जाके होगा।
तो मैं इस अगली वीडियो में, अब 2018 की आएगी आपके पास, लगातार आ जाएगी 2019 तक, उसके बाद फिर आपके पास आएगा एकदम हर तरीका, कैसा भी क्वेश्चन हो किस तरीके से सॉल्व होंगे और किस तरीके से पेपर आ जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक का, कहीं का भी पेपर हो किस प्रकार से सेट होता है, वो सेट करके और हम उसके बारे में पूरा वीडियो आपको भेजेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।